हेलो दोस्तों, आज हम नैरो प्लाजो पैंट की कटिंग करेंगे। तो पहले हम इसकी लेंथ नापें, कितनी लेंथ है हमारी ये। तो इसकी लेंथ है 21.5 और चौड़ाई इसकी 13.5 है। तो अब हमें अपने हिप का निशान लगाएंगे, जितनी भी हमारी कमर है यहाँ से आधा इंच छोड़कर। ये मैंने आधा इंच छोड़ दिया इस तरह से, और यहाँ से हम 2 इंच रबड़ के लिए लगाएंगे, इलास्टिक के लिए, और 2 इंच हम यहाँ से लेंगे। अब क्या करेंगे, हम इन दोनों कोण को इस तरह से ज्वाइंट कर देंगे। इस तरह से ज्वाइंट करने के बाद मैं इसमें जैसे कि मेरी कमर 20 है, तो मैं इसका चौथाई हिस्सा 5 इंच ले रही हूँ यहाँ से, और 2 इंच मेरा क्रोच एरिया का ले रही हूँ। टोटल ही 7 इंच का हो गया। तो हमें 7 इंच का इसमें बॉक्स बनाना है। यहाँ से भी मैं 7 इंच रखूँगी, और यहाँ से भी, तो हमारा ये बॉक्स तैयार हो गया। और यहाँ से हम 2 इंच क्रोच एरिया के लेंगे आसन के, और इसे हम इस तरह से राउंड शेप देंगे। जो हमने बॉक्स बनाया था ना, हम इसमें इसमें से डिवाइड करेंगे, तो हमारा ये 3.5 आया है यहाँ से, तो 3.5 आया है। तो 3.5 हम नीचे से भी लेंगे, यहाँ से, और एक सीधी सी लाइन खींच लेंगे, जैसे हमारा डिवाइड हो जाएगा ये इस तरह से। अब मुझे इसमें नैरो बनानी है, तो मैं इसमें आधा आधा इंच कम कर रही हूँ। तो यहाँ से मैंने आधा इंच कम करा, 2 इंच मैंने यहाँ से लिया, और 2 इंच हम यहाँ से लिया। अब बॉटम के लिए मैंने इसमें 2 इंच बढ़ाया है, तो इसे भी हम सीधा कर देंगे इस तरह से। सीधा करने के बाद अब क्या करेंगे, हम यहाँ से लाइन खींचनी है इस तरह से, और दूसरी तरफ से भी हमें ऐसे ही करना है। और इसे यहाँ से जहाँ हमारा बॉटम में 2 इंच हमने लिया, इसे भी मिलाना है इस तरह से। तो हमारा इस तरह से मिलकर तैयार हो गया। तो इस तरह से ये फ्रंट की हो गई हमारी ड्राफ्टिंग। अब हमें इसी पर ही हमें कटिंग करनी है। इसमें जैसे ही हमने निशान लगाया वैसे ही हमें कटिंग करनी है इसमें, बस और कुछ नहीं करना है इसमें इस तरह से। तो ये हमारा नैरो बन गया फ्रंट का। अब हम इसमें बैक की कटिंग करेंगे। तो हमें ऐसे ही फोल्ड करके रखना है 2 लेयर्स में, और इसे जो हमने फ्रंट का काटा था हमें इस तरह से रखना है इसे। और इस तरह से हमें निशान लगाने हैं। और यहाँ से हम 2 इंच बढ़ाएंगे इसे, एक सीधी सी लाइन खींचेंगे पहले हम, और इसे राउंड शेप देते हुए हम इसे इस तरह से गोल करेंगे।
तो इस तरह से हमारी ड्राफ्टिंग हुई। अब हमें इसी पर ही कटिंग करनी है, तो मैं इसमें कुछ ऐसा चीज रखी जिससे ये हिले ना। इस तरह से मेरा ये कंप्लीट हो गया। इस तरह से हमारी प्लाजो पैंट की कटिंग हो गई, नैरो प्लाजो पैंट की। दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।